साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, बयानों के बाण हर तरफ से चल रहे हैं, सियासत भी हो रही है। हालांकि सियासत में भी बातें मर्यादा में ही रहकर की जाती है, लेकिन इधर तो संजय राउत ने सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया, मरोड़ दिया, सीधे सीधे निशाना प्रधानमंत्री मोदी पर ले लिया और बड़ा हमला बोल दिया, यहाँ तक कि विवादित बातें बोल दी, बात को राक्षस तक लेकर आए, तोते में जान होने की बात कह दी, तो विष्णु के 13वें अवतार को लेकर भी तंज कस दिया, जिसके बाद अब संजय राउत को लेने के देने बढ़ सकते हैं और खास तारीख पर संजय राउत जेल के अंदर हो सकते हैं, क्योंकि एक नई अनगिनत केस उन पर दाबने की तैयारी हो रही है। तो दिखाते हैं, बताते हैं क्या है पूरा मामला। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या वाकई में संजय राउत ने इस बार खुद बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो संजय राउत अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं और सियासत में अपने विरोधियों पर बड़बोले अंदाज में हमला बोलते रहे। अब इस बीच भी संजय राउत ने बहुत कुछ बोला है, लेकिन इस बार सीधे निशाने पर लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिया। जब अब तक जो संजय राउत खैर मना रहे थे उनके बुरे दिन अब शुरू हो सकते हैं। सिलसिलेवार तरीके से पहले ये समझिए कि संजय राउत ने कहा क्या। संजय राउत ने सबसे पहले कहा कि बीजेपी और मोदी भक्त मोदी को विष्णु का 13वां अवतार कहते हैं और अगर पीएम मोदी विष्णु के अवतार हैं तो ईवीएम का रास्ता छोड़कर बैलेट पेपर से चुनाव करा लें, बीजेपी की और मोदी की बहुत बुरी हार हो जाएगी, ये तय है। आगे देखिए, संजय राउत ने कहा कि बीजेपी और उनके नेता पीएम मोदी इसराइल से ईवीएम को हैक करने की टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं और उसी इसराइली टेक्नोलॉजी के जरिए ईवीएम को हैक कर रहे हैं और चुनाव में जीत रहे हैं, चुनाव में धांधली करके धड़ाधड़ चुनाव में जीत दर्ज कर रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि मध्य प्रदेश के चुनाव नतीजे इसका ही असर है, जहां कांग्रेस की जीत होनी तय थी लेकिन बीजेपी जीत गई क्योंकि ईवीएम का हैक किया गया इजरायली तकनीक के जरिए, ईवीएम हैक करके मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जीत दर्ज की, ये दावा यहां पर संजय राउत ने कर दिया। अब इसके बाद संजय राउत ने बहुत बड़ा हमला किया। संजय राउत ने कहा कि जिस तरह से एक राक्षस की जान तोते में बसती थी तो वैसे ही बीजेपी और मोदी की जान ईवीएम में बसती है और ईवीएम को हटा दो तो ये खत्म हो जाएंगे, ग्राम पंचायत और नगर पालिका तक के चुनाव जीत नहीं पाएंगे। यानी कि यहाँ पर बीजेपी की तुलना प्रधानमंत्री मोदी की तुलना एक राक्षस से कर दी और जिसकी जान तोते में बसती थी तो वैसी जान यहाँ ईवीएम में बसती है, ये बड़ा आरोप लगा दिया, ये बड़ा दावा कर दिया। अब संजय राउत ने दावा तो बड़ा कर दिया, ऐलान भी बड़ा कर दिया, हालांकि पहले भी ईवीएम पर वो सवाल उठाते रहे लेकिन यहाँ पर पीएम मोदी पर इतना बड़ा हमला किया गया, लिहाजा अब एक्शन होना भी तय है। खबर है कि महाराष्ट्र बीजेपी के कुछ नेता संजय राउत के खिलाफ पीएम मोदी की मानहानि का केस दर्ज करने की तैयारी में, और ये केस एक जगह नहीं होगा बल्कि कई शहरों में एक साथ केस दर्ज किए जाएंगे और एक्शन भी एक साथ होगा, लिहाजा 22 जनवरी के बाद किसी भी दिन संजय राउत को गिरफ्तार किया जा सकता है, संजय राउत को जेल भेजा जा सकता है और फिर संजय राउत के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी क्योंकि इस बार सीधे सीधे पीएम पर हमला किया तो जेल में भी उनके लिए हालात और बुरे हो सकते हैं क्योंकि इस बार गलती बहुत बड़ी वाली संजय राउत ने कर दी है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।